प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज मन की बात का 100वां एपिसोड जारी किया गया। अजमेर में 138 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अलग अलग सामाजिक संस्थानों की ओर से यह एपिसोड का टेलीकास्ट करवाया गया, जहां सभी ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को देखा और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश और उद्बोधन का अनुसरण किया। अजमेर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी के अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश सोनी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 100वां एपिसोड जारी किया गया है, जिसमें वह देश के उत्थान और विकास के लिए अलग अलग समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है इसे लेकर आम जनता से बातचीत कर आमजन से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी राजनीतिक बात को नहीं रखते, केवल देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके और राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में जागृत हो और लोकल फॉर वोकल के साथ ही देश आत्मनिर्भर किस तरह से बनते हुए आगे बढ़ सके इस पर चर्चा की जाती है, जो कि सराहनीय कदम है, जिसके लिए देश की जनता का प्यार उनके लिए और बढ़ गया है। माननीय मोदी जी, हर माह के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं और आज 100वीं मन की बात उन्होंने हमारे साथ की, देशभर की जनता के साथ की। यह मन की बात हमको सकारात्मक सोच देती है, नई ऊर्जा की प्रेरणा देती है और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा वो नहीं करते हैं, न कोई राजनीतिक मुद्दे की बात करते हैं। यह देश कैसे आगे बढ़े और समाज के क्या क्या मुद्दे हैं उन विषयों पर वो हमारे साथ चर्चा करते हैं। जैसे आज उन्होंने प्रारंभ में जेंडर रेशियो की बात की, वुमेन पावर की बात की, उन्होंने टूरिज्म की बात की, साथ में उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की। हम किस प्रकार से व्यक्तियों के जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं और देश में जगह जगह जिन्होंने कुछ काम किया इस वोकल फॉर लोकल पर या मेक इन इंडिया के विषय को लेकर के उनके कुछ उदाहरण भी उनके साथ प्रस्तुत किए, तो दूर दराज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता उसका देशवासी उसका नाम आएगा। तो मोदी जी के प्रयासों से उसे नई ऊर्जा का उसमें संचारण भी होता है और हम सबके लिए भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम उनके बताए हुए इन बातों को आगे बढ़ाएं ताकि देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज करोड़ों लोगों से 4 लाख स्थानों पर कार्यक्रम हुआ है और करोड़ों लोगों के साथ जुड़े हैं और आज यहाँ भी हमने राजस्थान में लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ इसको सुना है, अजमेर शहर में भी 138 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, तो यहाँ भी आज सैनिकों के साथ हमने सुना है। निश्चित रूप से ये मन की बात हमें आगे ले जाएगी और समाज का हम लोग आगे बढ़ाते हुए देश को उच्च शिखर पर मोदी जी के नेतृत्व में ले जाएंगे। तो हम सब पूरे भारतवासियों के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस भारत को भारत से पहचान कराने का एक अपना अनूठा कार्यक्रम मन की बात, जिसमें भारत की विशेषताओं और भारत के विशेष जो विशिष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनकी पहचान पूरे देश भर में बने, इस निमित्त अपने मन की बात का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और उस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के हमारे इतिहास, हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्य, हमारे देश के विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने इस देश और मानव समाज के लिए विशिष्ट कार्य किए, उन सबसे परिचायक इस कार्यक्रम के माध्यम से कराया। और उस बात मन की बात का 100वां संस्करण है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हमने प्रत्येक हमारे जो शहर जिले में 138 शक्ति केंद्र हैं उन 138 शक्ति केंद्रों पर इस मन के बात के कार्यक्रम की पूरी रचना योजना बनाई, उसके लिए प्रभारी संयोजक तय किए और आज पूरे 138 हमारे शक्ति केंद्रों पर एक साथ ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ हमने आम जन को जोड़ने का भी प्रयास किया है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर हमने हमारे जो देश के महान वीर सपूत हैं ऐसे पूर्व सैनिकों को आज आमंत्रित किया कि वो आएं और हम सब के साथ बैठ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस मन की बात को सुने और देश सेवा के लिए लगातार वो जिस प्रकार से प्रयासरत रहते हैं आगे भी समाज के लिए और इस भारत के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से करें, इस समय आज ये कार्यक्रम रखा है।
इसके निमित्त हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और हमने कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया है, जिसके अंदर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व माननीय हमारे विधायक वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व महामंत्री श्री किशन जी सोनग्रा साहब, माननीय धर्मेंद्र जी गहलोत, माननीय आनंद सिंह जी राजावत और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण जी जैन सहित वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए हमने इस बड़े कार्यक्रमों के श्रेणी में एक रेलवे के हमारे एसटीसी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर भी हमारी माननीय विधायक अनिता जी बधेल के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम रेलवे के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर के तय किया। इस प्रकार से पूरे ज़िले के अंदर इस को एक उत्सव के रूप में लेते हुए हम इस मन की बात को कार्यक्रम के 100वें संस्करण को आज बना रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इस देश को विश्वगुरु बनाने के अग्रसर है उनका पूरे देश के वासियों के साथ एक सीधा संवाद और सतत संवाद हमेशा बना रहे, इसलिए हम यह कार्यक्रम का बहुत भव्य आयोजन